राहुल गांधी की अगुवाई में चल रही कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा इस समय पंजाब से गुजर रही है। पंजाब में यात्रा के दौरान राहुल गांधी पगड़ी पहने नजर आए। अब उनके पगड़ी पहनने पर भी नया विवाद शुरू हो गया है। बीजेपी का कहना है कि राहुल गांधी जो भी करते हैं वो सिर्फ दिखावा होता है और स्क्रिप्टेड होता है। राहुल गांधी को निशाने पर लेते हुए बीजेपी आईटी सेल के चीफ अमित मालवीय ने ट्वीट किया कि भारत जोड़ो यात्रा में पगड़ी और उसके रंग को बांधने के लिए किसे बुलाया जाना चाहिए सहित सब कुछ कोरियोग्राफर किया गया है। हालांकि आपत्तिजनक बात यह है कि जब कैमरे नहीं थे तो राहुल गांधी ने पगड़ी पहनने से इनकार कर दिया। राजनीति के लिए धार्मिक भावनाओं का शोषण करना कांग्रेस के डीएनए में है। बीजेपी नेता मनजिंदर सिंह सिरसा ने भी राहुल गांधी को आड़े हाथों लिया। उन्होंने एक वीडियो साझा किया और ट्विटर पर लिखा, अभी नहीं बांधूंगा, कैमरा और मीडिया वाले नहीं थे तो राहुल गांधी ने सिर पर दस्तार सजाने से मना कर दिया। भारत जोड़ो यात्रा में टी शर्ट से लेकर दस्तार तक हर हरकत एक नौटंकी और लिखी हुई स्क्रिप्ट का हिस्सा है। गांधी परिवार का सिख विरोधी चेहरा एक बार फिर बेनकाब हुआ। राहुल गांधी पगड़ी से पहले टी शर्ट पहनने को लेकर विवाद में रहे। बीजेपी ने राहुल गांधी की एक तस्वीर को शेयर कर लिखा कि राहुल गांधी टी शर्ट के अंदर इनर पहनते हैं और सिर्फ नौटंकी करते हैं। गौरतलब है कि राहुल गांधी की यात्रा इस समय पंजाब से गुजर रही है। बुधवार को राहुल गांधी ने सरहिंद में एक सभा को संबोधित किया और कहा कि देश में नफरत का माहौल बना दिया गया है। बीजेपी और आरएसएस के लोग देश को बांट रहे हैं। ये लोग एक धर्म को दूसरे धर्म के खिलाफ, एक जाति को दूसरी जाति के खिलाफ और एक भाषा को दूसरी भाषा के खिलाफ खड़ा करने का काम कर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, वी न्यूज़।